गाइज वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप अपने काम में व्यस्त भी होंगे। और मैं बनाऊंगी ये चीज़, ये एक मीठी डिश है और ये लौकी से बनी हुई है। इसमें ना चीनी डाली ना खांड डाली है, फिर भी ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी है और यही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और ये बहुत जल्दी बनने वाली है। और एक देखो, हलवा जो बनता है ना वो एक स्टिकी फॉर्म में बनता है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा खिला खिला हुआ बना हुआ है। इस खिले खिले का राज क्या है, वही चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो जुड़े रहना मेरे साथ पूरी वीडियो में, वीडियो स्किप बिल्कुल आके मत जी करना, आके जी आके क्योंकि जी। ये जो चलिए खिला नहीं खिला जो खाली। हलवा है, यानी एक बहुत ही मीठी और एक अमेजिंग सी एक मीठी डिश है, इसकी इसके जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं साथ साथ मेंशन करूंगी वीडियो के बीच बीच में। तो अगर स्किप करोगे तो वो छोड़ दोगे तो ये इतना ही खूबसूरत और खिला खिला हलवा कैसे बना तो पाओगे। लौकी का हलवा बनाने के लिए ना सबसे पहले जो घिया है उसको कद्दूकस कर लेते हैं। और ये जो मोटे वाला साइज है ना, एक सबसे बारीक है, फिर उससे मोटा है, ये सबसे मोटा है, ये सबसे मोटे में ही कद्दूकस करनी है। तो इसको मैं कर लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ। और ये सारी घिया, ये आधा किलो घिया है और ये सारी कद्दूकस कर ली है। अब एक मोटे तले की कढ़ाई लेनी है, गैस को ऑन कर देंगे और इसमें घी डालेंगे। और जो ये हलवा है ये आप देसी घी में ही बनाना। इसमें 2 बड़े चम्मच घी डाल दिया। अब ये लौकी है, ये डाल देंगे। और जो ड्राई फ्रूट डालने हैं वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल लेना। मैं इसमें एक काजू, किशमिश, बादाम, चिरौंजी, ये 4 चीज़ें इसमें डाल रही हूँ। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, आप इसमें डेसिकेटेड कोकोनट डाल लो या और कोई भी आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, ठीक है। तो ये बादाम है जो इसको मैं बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, बाकी इन सबको मैं शैलो फ्राई कर लेती हूँ। और लौकी जो है घी में, कैसे पता चलेगा ये भून चुकी है, लौकी का ना जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो आप समझना। और इसमें से ना बहुत सोनी सोनी सी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, तो आप समझो ये भुन चुकी है। फिर उसके बाद इसमें दूध डालना है। आधा किलो ये लौकी थी और 1 किलो इसमें दूध जाएगा, बाकी दूध आप कितना भी ज़्यादा ले सकते हो। और फिर आगे प्रोसेस क्या होगा वो मैं दिखाती हूँ। अब दूसरी कढ़ाई में घी डाल दिया, ये 1 चम्मच घी है, और इसमें सारे ड्राई फ्रूट डाल देंगे। और ये मीडियम आंच पे इसको शैलो फ्राई करना है। आप ऐसे भी डाल सकते हो, बगैर शैलो फ्राई किए भी डाल सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसको शैलो फ्राई करके डालोगे ना, टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो आप इसको शैलो फ्राई करके ही डालना, बाकी आपकी अपनी चॉइस है ना। अब ये देखो इनका थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होने लग गया है, और बस इसको इतना ही शैलो फ्राई करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना इसका। गैस को कर देंगे बंद। और अब ये कढ़ाई गर्म भी है तो इसमें थोड़ा सा कलर और आ जाएगा। अब इसमें ये 1 लीटर दूध है तो ये डाल देंगे। अब इसको फुल फ्लेम पे हमने पकाना है। जब ये दूध आधा रह जाए तब हमने इसमें मीठा डालना है। और इसमें इसको हेल्दी बनाने के लिए क्या करना है, इसमें चीनी नहीं जाएगी, इसमें खांड या बूरा नहीं जाएगी, इसमें मैं डालूंगी गुड़। गुड़ तो वैसे भी सबको पता ही है कि भाई कितना फायदेमंद होता है सेहत के लिए, तो इसको आधा रिड्यूस हो जाएगा दूध तब गुड़ डालना है, क्योंकि गुड़ डालते ही दूध फट जाएगा और दूध को फाड़ना ही है, तभी इस हलवे का बहुत अलग सा टेस्ट आएगा। तो ये आधा रिड्यूस हो जाता है, फिर मैं दिखाती हूँ। अब ये देखो ये दूध है ना आधा रह गया है, अब इसमें गुड़ डालना है। मेरे पास ये गुड़ है, आपके पास कोई भी गुड़ हो वो डाल लेना, और जो मीठा है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। हम कम मीठा खाते हैं तो मैं थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, और बाकी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना। अब ये जैसे जैसे गुड़ पिघलेगा दूध फट जाएगा, और वही चीज़ हमें चाहिए। अब ये देखो ये थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया है, इसमें दाना बनना शुरू हो गया है। देखो इसमें जो दाना है वो अलग हो जाएगा, थोड़ा सा जो पानी जैसा हो रह जाता है ना दूध फटने के बाद वो अलग हो जाएगा, लेकिन उस पानी को हमने निकालना नहीं है, इसी में रिड्यूस करना है।
जैसे हम नॉर्मल हलवा बनाते हैं ना, तो उसमें चीनी डालते हैं बाद में, या खंड डालते हैं, बूरा डालते हैं, तो वो फटता नहीं है। अब गुड़ डालेंगे तो फट जाएगा। और ये ना यकीन मानना, ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट बनता है ना इसका, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट बनता है। आप ये इस तरीके से ना बना के देखना, और हेल्दी है क्योंकि इसमें गुड़ है, चीनी तो वैसे भी हेल्दी नहीं होती है। अब ये देखो, जो पानी था ना वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना शुरू हो गया है। अब इसको बिल्कुल ड्राई करना है, यानी ये जो पानी है इसको बिल्कुल सुखाना है, और उसके बाद ही इसमें फूड कलर डलेगा, उसके बाद ही इसमें ड्राई फ्रूट डलेंगे, उसके बाद ही इसमें इलायची पाउडर डलेगा। अब ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है, अब यहाँ पर फूड कलर डाल देंगे, और कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर डालोगे ना तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। और कहते हैं कि खाना पहले आपको सिखाया जाता है ना, तो इसको बहुत अच्छा सा एक लुक देने के लिए कलर डाल सकते हो आप, और अगर आप ना डालना चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। अब यहाँ पे इलायची पाउडर डाल देंगे, और आधे से भी आधी चम्मच, क्योंकि जो लौकी है वो आधा ही किलो की, तो थोड़ी सी इलायची डालनी है, बाकी आप स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चाहिए तो आप थोड़ी ज़्यादा डाल सकते हो। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल देंगे, और ये जो पूरा प्रोसेस है यानी हलवा बनाने का, ये फुल फ्लेम पे ही बनेगा। सिम आंच पे तो खाली ड्राई फ्रूट ही शैलो फ्राई होंगे। अब इसको बिल्कुल ड्राई कर लेते हैं। जब जो हलवा है वो कढ़ाई से अलग होना शुरू हो जाए ना, तब समझो ये हलवा पक गया है। ये हो गया है रेडी, और जिसको खाना है वो चले आओ।